एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कहीं ना कहीं पर मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इतना मैं आपका आशीर्वाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आजकल कुछ मौसम इस तरह से तो बरसात लगी हुई है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आज हमारे गाँव से थोड़ी दूरी पर मेला होता है, तो अभी फ़िलहाल हम मेले के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त है वो वहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो हमने इनको फ़ोन भी किया था कि रुक जाओ, बट चले जा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे टिक्की गांव, तो इसके ठीक सामने ऊपर जो दा दिख रही है आपको, यहाँ पे मेला होता है। तो फिलहाल दोस्तों, रोड का रास्ता अब ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से अब सीधी चढ़ाई है। तो पौड़ियाँ चढ़ने के लिए तो कुछ एक जगह पर पक्का रास्ता बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते घर से थक गए हैं, तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करें सभी लोग। कुछ एक लोग तो यहाँ से ऊपर चले गए, तो बट जो माँ साथ आए थे तो वो भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते किस तरह से यहाँ से मस्त वाला व्यू आ रहा है। तो ठीक सामने आप देख सकते बूंग गाँव, तो यहाँ पे हमारे जो आराध्य देवता श्री शेटनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। तो फिलहाल दोस्तों, हम मेले में पहुँच गए हैं। तो फिलहाल जो प्रमुख हमारी यहाँ पे जो माता अंबिका है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो रथ को यहाँ पे बिठाया गया है, तो अभी जो वाद्य यंत्र है उनको भी गर्म किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इस मेले में कुछ उतना रश नहीं है जैसा कि आज से 3-4 साल पहले हुआ करता था। साइड घूमने आए थे, तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, तो गिटार पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है। तो आपको मैं सुना तक क्या गुनगुना रहे हैं। तो जब देव देवताओं का मिलन हो रहा था, तो उस टाइम एकदम से ही बारिश होने वाली थी, बट एकदम से हवा आ गई, तो अभी थोड़ी बहुत धूप लगी हुई है। तो अभी आप देख सकते कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फोटोग्राफी चली हुई है, तो फोटोग्राफी कर ली है। तो दोस्तों, अभी मस्त वाला क्राउड आया है तो मेले में, बट उतना तो नहीं है तो जितना 4-5 साल पहले होता था। तो फिलहाल नीचे देवी देवताओं के पास नाटी लगी हुई है। पहले कुछ इसी तरह से जब हम बचपन में मेले के लिए आते थे, तो इसी तरह से कुछ खिलौने लिया करते थे। तो घर में जाके अगर जिस दिन हम मेले के लिए आते थे, तो उस दिन हम मोटे जो एक्साइटेड होते कि कब हम मेले में पहुँचे, तो कब हम खिलौने लेंगे। तो अब तो वो जमाना चला गया दोस्तों, तो अब उतना खास नहीं रहा जाए। तो हम लोगों ने मिठाई ले ली है, तो अब लास्ट के लिए तो मिठाई की क्लोजिंग हो जाती है, बट थोड़ी बहुत अभी बना भी रहे हैं दोस्तों। सभी बंदे अब अपने घरों के लिए निकल गए, तो ठीक सामने आप देख सकते किस तरह से बंदे चले हुए हैं। तो अभी कुछ एक बंदे तो ऊपर मेले में, अभी तो सूर्य भगवान भी जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम एकदम सही ख़राब हो गया अब शाम के टाइम। फाइनल दोस्तों, मेला समाप्त हो गया है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने मिठाई ले लिए, तो रास्ते में पहुँच गया है। तो आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से मेले के लोग गए थे, तो अभी फ़िलहाल वापस आ गए हैं। तो ठीक सामने तक लंबी लाइन लगी हुई है, तो रोड पे आजकल गाड़ियाँ तो वैसे भी चल नहीं रही है, तो सभी बंदे पैदल चले हुए हैं। तो चल दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपको मैं बता दूं कि कल हमारे यहाँ दूसरा मेला है, तो आपको मैं कल 12 मेला भी दिखाऊंगा। तो चलिए, अब मिलते हैं आपको कल।